संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 65वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश ने उनको याद किया। इसी मौके पर बरहज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा महाराजपुर में अम्बेडकर की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बरहज विधानसभा से 2022 विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार गिरेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि हमारे भारत रत्न संविधान लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमको आपको समानता का अधिकार दिया और पिछड़े वंचित शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में बहुत से अधिकार दिए। उन्होंने कहा कि आज शोषित समाज में दबा कुशला व्यक्ति भी हमारे संविधान के बदौलत समानता का अधिकार पाता है। लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला हो और अपने हक को पहचानने की कोशिश की हो। उन्होंने कहा कि समाज की जितनी कुरीतियां हैं उनसे निजात पाने के बारे में संविधान बताता है। आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है और इस भारत देश के महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे इस महाराजपुर के पवित्र धरती पे हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेष करके जो हमारे नौजवान साथी हैं और बाबा साहब के एक ये लोग सभी लोग प्रेरणा स्रोत हैं और ये लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर जीवन में कुछ पाना है, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, सफल होना है तो सर्वप्रथम आपको शिक्षित होना पड़ेगा, दूसरा संगठित होना पड़ेगा और तीसरा संघर्ष करना पड़ेगा। तो बरहज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा महाराजपुर में अम्बेडकर की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और इसी दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बरहज विधानसभा से 2022 विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार गिरेंद्र प्रताप यादव भी यहां पर मौजूद रहे और आज न्यूज़वर्ल्ड इंडिया के साथ भी वो जुड़ रहे हैं। गिरेंद्र जी, सबसे पहले न्यूज़वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरेंद्र जी, आप संविधान की बहुत बातें कर रहे थे, ये संविधान तब याद क्यों आता है जब चुनाव नजदीक आते हैं? उससे पहले तो सभी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो चाहे वो विधायक हो, लगभग गायब भी नजर आते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, जितने भी अपने देश में महान पुरुष हुए और इनके त्याग और बलिदान का देन है जी, कि जो आज पूरे देश में गरीब किसान मजदूर का हक मिलता है और आज के परिवेश में दुर्भाग्य है इस भारत देश का कि आप देखे होंगे 2011-12-13 में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ी हुई थी। लेकिन आज के डेट में महंगाई इतनी चरम सीमा पे है और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। आज के डेट में पूरे देश के नौजवान बेरोजगारी के कगार पे हैं और पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बाबा साहब का अगर संविधान दिया हुआ संविधान न होता तो हम अपनी बात को आपसे कह भी नहीं सकते थे। अच्छा। और आज के डेट में गरीब किसान मजदूर प्रत्येक दिन आत्महत्या कर रहे हैं। गिरेंद्र जी, आप ये बताइए कि बरहज विधानसभा से आप प्रत्याशी चुने गए हैं, प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या काम किया है आपने, जनता आपसे कितना खुश है, आप खुद ही बता दीजिए। देखिए, अभी 2015 में अपने पूरे प्रदेश में और हमारे देवरिया जिला में बरहज विधानसभा में इंसेफ्लाइटिस डेंगू का बहुत बड़ा महामारी बीमारी आई थी और उस समय में जिस गांव में जहां जहां इंसेफ्लाइटिस डेंगू बीमारी थी वहां पे हमने लोगों को मच्छरों से बचने के लिए हम एक एक मच्छरदानी देकर उनको उत्साहित किए थे। बस इतना काफी कि आप लोग मच्छरों नहीं, उसके बाद अभी ये कोरोना काल में सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे जितने भी प्रत्याशी हो सब लोग अपने घर पे बैठे थे और हम इस कोरोना काल में घर घर जाके सभी लोगों को साबुन मास्क देकर सबको ये किए थे और जितने भी धर्म के नाम पे आज लोग ये
भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा हम लोग मंदिर बनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे ये लोग अपने पास से फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। और हम अपने बहराइच विधानसभा में जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, आप क्या करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्या करेंगे बरहज विधानसभा में, किस तरह का काम करेंगे? क्योंकि अभी कुछ तस्वीरें मेरे सामने आई हैं, सड़कें उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता है कि बरहज विधानसभा की जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों को मरम्मत भी कराएंगे, नए सड़कों का निर्माण भी कराएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक बहुत काम करेंगे कि जिससे गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे इलाहाबाद बनारस जाते हैं वो लोग बरहज में ही शिक्षा प्राप्त करें। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माली हालत है पूरे बरहज में, जो भी हॉस्पिटल है वहां पे बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है लेकिन कहीं डॉक्टर दिखाई नहीं देते हैं। और आप आएंगे तो सारी व्यवस्था कर देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, हम यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम आएंगे शासन सत्ता में आएंगे तो हम अपने स्तर से हर तरह से लगेंगे कि जिनकी भी जो भी ड्यूटी है वो अपने ड्यूटी को सर्वप्रथम निभाएंगे और जनता के जन कल्याण के लिए हमेशा काम हम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरेंद्र जी।